वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी कृति। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो स्किन टोनर कुकुम्बर टोनर का रिव्यू। सो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे अप्लाई करना है, इसको कैसे कब यूज करना है, इसकी क्या कॉस्ट है, इसके अंदर क्या इन्ग्रीडियंट है एंड टोनर कौन सी स्किन को अप्लाई करना चाहिए। सो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम टोनर की बात कर लेते हैं कि टोनर हमारी स्किन में क्या करता है। टोनर बेसिकली हमारे जो लार्ज पोर्स और जो स्मॉल पोर्स होते हैं, लार्ज पोर को बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है एंड स्मॉल पोर्स को बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है, मतलब दोनों पोर्स को बिल्कुल बंद कर देता है, जिससे हम जब भी मेकअप अप्लाई करते हैं या बाहर कहीं जाते हैं तो हमारी स्किन पॉल्यूशन से अफेक्ट ना हो। सो टोनर बेसिकली हम लोगों को इसलिए अप्लाई करना चाहिए एंड ये क्या करता है, हमारे जो पोर्स को मिनिमाइज कर देता है ना, जो हमारी स्किन पे डर्ट आके लग जाती है। मेन यूजुअली हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे स्किन पे डर्ट लग जाती है, मिट्टी लग जाती है, कई चीज़ें लग जाती हैं, तो वो क्या है, हमारी स्किन में घुस जाती है, ये तो आप सबको पता होगा। तो वो स्किन में ना घुसे इसलिए हमको टोनर अप्लाई करना चाहिए। टोनर हमारी स्किन को अंदर से, पोर्स के अंदर से बहुत अच्छे से क्लेंस कर देता है, इसलिए हम टोनर अप्लाई करते हैं। एंड सो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि इसको कौन सी स्किन वाले टाइप, मतलब कौन से टाइप की स्किन। सो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि कौन सी टाइप की स्किन को इस टोनर को अप्लाई करना चाहिए। सो इस टोनर को अप्लाई करना चाहिए ऑयली स्किन वालों को, तो मतलब ठान लो कि ऑयली स्किन वालों को तो टोनर अप्लाई करना ही चाहिए, चाहे वो कोई सा भी हो। बट इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि क्यों आपको ये लगाना चाहिए। ड्राई स्किन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो सब ऑल स्किन टाइप्स के लिए होता है टोनर, सो सब अप्लाई कर सकते हैं, पर जो बेसिकली ऑयली स्किन है ना उसको तो स्किप करना ही नहीं चाहिए। बाकी सब स्किप कर सकते हैं एंड ठीक है, पर इतना नहीं कि ऑयली स्किन वाले टोनर क्यों अप्लाई करना चाहिए वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सो जो स्किन टोनर के अंदर सिर्फ चार इन्ग्रीडियंट है। सो सबसे पहला इन्ग्रीडियंट है कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट, इट मीन्स इसके अंदर एक्सट्रैक्ट है, एंड जो सेकेंड है वो सेज है, थर्ड जो इसके अंदर इंग्रीडियंट है वो है एलोवेरा एंड जो फोर्थ है वो है कैमोमाइल। सो इसके अंदर सिर्फ फोर इंग्रीडियंट्स है जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एलोवेरा आप सबको पता होगा कितना अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, पिगमेंटेशन रिमूव कर देता है, पिंपल्स रिमूव कर देता है, डलनेस रिमूव कर देता है, सब रिमूव कर देता है, मतलब एलोवेरा बेस्ट है। कुकुम्बर आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि कुकुम्बर हमारे स्किन को क्या करता है, ग्लोई बना देता है, पिगमेंटेशन रिमूव कर देता है, ड्राइनेस रिमूव कर देता है, सब चीज़ अच्छी है इसके अंदर। सो अब बात आती है कि इसको अपन को अप्लाई कैसे करना है। सो उसको तो मैं बताती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सो पहले हम लेंगे ये जोव्स का स्किन टोनर एंड इसको ओपन कर लेंगे एज यूजुअल, और उसके साथ चाहिए आपको एक कॉटन बॉल या फिर कॉटन कुछ भी, जो भी जिससे आप अपने स्किन पर अच्छे से अप्लाई कर सकें। एंड इसको लेके एंड इस स्प्रे बॉटल से इस पे ऐसे स्प्रे करना है, सो यू कैन सी, एंड इसको लेके अपने फेस पे डैप करना है। मैंने मेकअप लगा रखा है सो मैं आपको हैंड पे करके दिखाती हूँ, जस्ट ऐसे डैप करना है, कुछ नहीं करना आपको, जस्ट रगड़ना नहीं है ऐसे, सिर्फ इसको डैप करना है। टोनर क्लेंजिंग का काम कर देगा, सो बहुत अच्छे से क्लेंज हो जाएगा, यू कैन सी। Does Jove Skin Toner do? It is an exclusive well-formulated skin toner for oily skin, provides a more thorough cleansing than cleanser alone and helps to remove excess oil, dirt, tightness, the pore. So, जैसे मैंने हैंड पर अप्लाई किया वैसे आपको फेस पर अप्लाई करना है। अगर आपको जाना है कि फेस पर अप्लाई करते हैं तो कोई भी मेरी मेकअप की वीडियो देख लीजिए, ये Jove Skin Toner सबसे पहले मेरे फेस पे लगता है। तो अब बात आती है कि ऑयली स्किन वालों को ये टोनर क्यों अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज ऑयली स्किन वालों के जो पोर्स होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं। सो उससे क्या होता है कि जितना भी स्किन के अंदर ऑयल होता है ना वो जल्दी जल्दी निकलने लग जाता है ना, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली लगती है। सो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, टोनर अप्लाई करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जितने भी पोर्स होते हैं ना वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे, और जो अपने अंदर पोर्स होते हैं ऑयली स्किन के अंदर उसमें सिबम प्रोड्यूस होता है, सो वो सिबम अटक जाएगा, मतलब अटक जाएगा इट मीन्स रुक जाएगा। सो उससे आपके स्किन पे ऑयलीनेस नहीं रहेगी। सो टोनर आप देखिए इस टोनर को कब कब अप्लाई करना चाहिए। सो आप इसको सुबह और शाम अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, पर दो टाइम आपको ट्वाइस अ डेली अप्लाई करना चाहिए। एंड अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। सो जो स्किन टोनर की प्राइस है टोटल 170 रुपीज़, इट्स
ओनली अफोर्डेबल टू अफोर्डेबल है ये. सो अगर आपको इस जो स्किन टोनर का रिव्यू पसंद आया सो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा. ऑन योर डिमांड नेक्स्ट गिव अवे मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स में होगा. तो जिस जल्दी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करिए जिससे आपको एक नेक्स्ट गिव अवे मिले. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल देन स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.